अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेड क्रम्स घर में कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ब्रेड क्रम्स क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बता देती हूं कि ब्रेड क्रम जो है वो एक तरह का ब्रेड का चूरा होता है जिसे हम स्नैक्स की कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। ब्रेड क्रम मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन इसे आप घर में भी बना सकते हैं। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं। तो मैं ये फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप एक दो दिन पहले का ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये स्लाइस को हम पहले तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ। तो देखिए, मैंने तवा रख दिया है गैस पर। अब हम इन स्लाइसों को सेक लेंगे। इसे सेकते वक्त हम तेल या घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हमें ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। तो एक तरफ से जब ये ब्रेड सिक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। स्लाइस को रोस्ट करते वक्त हम गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी लो रखेंगे ताकि ये जो हमारी ब्रेड है वो जले नहीं। तो चारों स्लाइस की साइड मैंने चेंज कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से सेकेंगे। तो देखिए, हमारी जो ब्रेड की स्लाइस है वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये चारों ब्रेड की स्लाइस मैंने निकाल ली है प्लेट में। अब हम इन स्लाइसों को पहले ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेड की स्लाइस है वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। तो ये सारी स्लाइस को हम तोड़कर इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। इन स्लाइसों को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो देखिए, मैंने चारों स्लाइस तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिए। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। इसे हमें इसी तरह से दरदरा रखना है, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो हमारी जो ब्रेड क्रम है वो रेडी है। इसे आप किसी भी स्नैक्स पर कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ ये मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हम ये फ्रेश ब्रेड तोड़ कर डाल देंगे और इसे भी दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। स्लाइस को ग्राइंड कर लेने के बाद हम ये चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें ये जो हमने स्लाइस ग्राइंड की है इसे डालकर इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। इसे भूनते वक्त हमारी गैस की फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए और लगातार चम्मच चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स जो है वो नीचे चिपक कर जल सकता है। तो इसीलिए आप इसे लगातार चम्मच चलाते हुए रोस्ट करें जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो देखिए, अभी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसका जो सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है कढ़ाई से। तो ये ब्रेड क्रम्स भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये वो ब्रेड क्रम्स है जिसे हमने पहले रोस्ट कर बाद में इसे ग्राइंड किया था, और इसे हमने पहले ग्राइंड करके फिर रोस्ट किया था। तो इन दोनों के रिज़ल्ट मुझे सेम ही लगे हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से बनाएं। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर रख लें और इसे आप एक से डेढ़ महीने तक रखकर यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप घर में कोई स्नैक्स बनाएं तो इसे आप उसकी कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाकर रख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।